का मौसम में यो जाए को तैयार मिले एकदम प्याज वालों तो बड़ो आनंद आवे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम जी, राधे की रसोई में थर स्वागत है। आज मैं प्याज की कुरकुरी एकदम लच्छा वाली जो पकोड़ी बनाया करे हैं, पकोड़ी नहीं बोल सका, आपा क्रंची क्रंची बनाऊंगा खाने के लिए। बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनेंगी तो स्वाद लगेंगे। एकदम पतला तरीका सा प्याज कट करनी है, तो ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची, और मैं प्याज था ना बताऊंगी कि की तरीका से कट करनी है तो स्वादिष्ट पकौड़ी बने। ई तरीका से एकदम बारीक ई तरीका से मैं सारी तैयार करके थारे दिखा रही हूँ कि की तरीका से मैं करी हूँ इन्ना। ई तरीका से बार 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 बारीक बारीक करनी है एकदम। प्याज सब काट कर मैं तैयार कर ली हूँ, तो इनने ई तरीका से खोल देनी है। हाथ से मचलांगा तो पूरी खुल जाएंगी ई तरीका से। उनके बाद बना के देखी थे कितनी लाजवाब बनेंगी। और थर मैं अठे एक बात याद दिलाऊंगी कि थे मेरा चैनल पर पुराना हो तो थे लाइक नहीं करो हो और कमेंट नहीं करो हो। या शिकायत है थार से तो जरूर लाइक और कमेंट कराया करो, और नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कराया करो। इस तरीका से पूरी प्याज खोल देनी, मैं पूरी खोल कर तैयार करनी हूँ। अब देऊंगी मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च तीनों एक साथ, और ये देने के बाद में मैं साथ में ही थोड़ा बेसन दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके देना है बेसन ताकि ये लिपट सके, बहुत ज्यादा बेसन नहीं देना है। पूरा मैं एक छोटी चम्मच मतलब कि खाना वाली वे दो चम्मच में लेकर ही मैं मैदा डाल रही हूँ, और मैदा डालने के बाद थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी जरूर डालियो ताकि कलर बहुत सुंदर आओ थोड़ी सी। और लाल मिर्ची के साथ में पिसी हुई लाल मिर्ची और थोड़ो खाना वालों गरम मसालो या चाट मसालो कोई भी मसालो, और इन्हें पूरा ना मिक्स कर लो। थाने बता दूँ अठे थारे नमक नहीं देना हो, इन्हें 10 मिनट तक हल्को सो पानी को छिड़को देकर छोड़ देना हो, मतलब हल्को सो पानी लगा कर और इन्हें एक बार 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना हो मिक्स करता हुए। मैं इन्ना 8 से 10 मिनट के लिए ढक चुकी ही। अब देखूँ मैं कि की तरीका से है। देखो बेसन फूल कर तैयार हो चुकी है, नमक नहीं डाली ही, अब मैं नमक डालूंगी क्योंकि नमक पहले डालने से ज़्यादा पानी छोड़ दे, तो मैं नमक स्वाद अनुसार और इन्हें पूरा ना मिक्स कर ले। देखो कि तो हार्ड हो गया है, अब फिर थोड़ा सा पानी दे के इन्हें मैं नरम कर लूँगी। हल्को हल्को पानी देना, ज़्यादा देने से एकदम पतलो बन जाओगे तो टेस्ट भी नहीं आओगे और बढ़िया भी नहीं बनेगी, एकदम कुरकुरी कुरकुरी। बारिश का मौसम में चाय हो या सॉस हो बहुत जोरदार लगा। तेल गरम हो चुके है, अब मैं इन्हें छोड़ रही हूँ कढ़ाई के अंदर। इस तरीका से डाल लो है, हाथ ने एक जगह स्थिर रखना है और सिर्फ उंगली अंगूठा की सहायता से और हिलाता हुआ डाल लो। सिर्फ डालने को ही तरीको ही तरीका को है कि डालने से ही बहुत बढ़िया से गिरती जाए खुली खुली एकदम। गैस को फ्लेम एकदम फुल होना चाहिए और एक बार सिकने के बाद में इन्हें निकाल लेनी चाहिए। और फिर से मैं बताऊंगी थाने की तरीका से दोबारा इन्हें आखिरी बनाई जाएंगे की तरीका से निकाल लेनी। निकाल के एक बार के लिए रख देनी है और दूसरी बार फिर से छोड़ देना हो कढ़ाई में। फ्लेम ध्यान दवा इस टाइम फुल रहना चाहिए, एकदम तेल बहुत ज्यादा गर्म रहना चाहिए। इस तरीका दूसरी बार भी सिक्के तैयार है एकदम, इन्हें निकाल ली हूँ। अब मैं थाना बताऊं कि इन कह इन आखिरी बनाई जाएंगे। 7 मिनट तक मैं खुली छोड़ दी हूँ, अब इसके बाद में मध्यम आंच पर तेल में फिर से डाली जाएंगी। अब देखो कितनी स्वादिष्ट बनेंगी, मैं थाना दिखाऊंगी। मध्यम आंच पर पकानी है एकदम पलट पलट कर। देखो कितनी बढ़िया से लाल लाल सिक्की है एकदम, खाने में बड़ी टेस्टी लगेंगी। और ये सिक्के एकदम तैयार हो चुकी हैं, पलट पलट के मैं इन्हें सेकी हूँ, छोड़ना नहीं है तेल के अंदर डालकर पलट तो रहना है। बहुत बढ़िया से सीखी है, खाने को थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी लगे चीज और बड़ी लाजवाब लगेगी। देखो मैं अब निकाल के दिखाऊंगी थाने की तरीका से तैयार हो चुके। कितनी बढ़िया से एकदम आखिरी आखिरी तैयार हुई है। देखो
इस तरीका से प्याज भी दिखनी चाहिए और एकदम सिकाई भी बढ़िया होनी चाहिए। चाय के साथ बारिश का मौसम में मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए।